तो हाय गाइस, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं एवरीथिंग प्रो नॉलेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑन वन इन्वेंशन जिन्होंने दुनिया बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इन्वेंशन नंबर 101, जो है स्पीच रिकॉग्निशन मशीन। स्पीच रिकॉग्निशन मशीन ह्यूमन स्पीच को टेक्स्ट के फॉर्म में चेंज कर देती है। इसका फर्स्ट वर्जन 1952 में बेल लैब्स नामक कंपनी ने बनाया था। स्टार्टिंग में इसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 वर्ड्स थी और आज ये बढ़ के 1000 या फिर 1 लाख वर्ड से भी ज्यादा हो चुकी है। 100 नंबर पे आता है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा डिवाइस जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में क्लीनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अब हमें वो झाड़ू से साफ करने की कोई जरूरत ही नहीं। वैक्यूम क्लीनर विद सक्शन मशीन, इसका इन्वेंशन ईयर 1901 में ह्यूबर्ट सी बूथ और डेविड टी केनी ने किया था। इसके 4 साल बाद सर वॉल्टर ने पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर बनाया। इसका एडवांटेज ये था कि आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। पहले जो पुराने वैक्यूम क्लीनर होते थे उसे आप सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस तक यूज कर सकते थे, पर ये जो सर वॉल्टर ने वैक्यूम क्लीनर बनाया था इसे आप अपने घर के किसी भी कोने में ले जा सकते थे। इसी की वजह से ये मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसलिए ये हमारी लिस्ट में आता है 100 नंबर पर। 99 नंबर पे आता है मल्टी सॉकेट पावर प्लग। इस इन्वेंशन की वजह से लोग अब एक ही सॉकेट में 2 से ज्यादा अप्लायंस कनेक्ट कर सकते थे। इसका इन्वेंशन ईयर 1972 में पीटर टैलबॉट ने किया था। 88 नंबर पे आता है स्पीक एंड स्पेल इंस्ट्रूमेंट। इसका इन्वेंशन ईयर 1978 में इलेक्ट्रॉनिक हैंड चाइल्ड कंपनी ने किया था। ये बहुत ही रेयर एजुकेशनल टॉय था। इसकी वजह से बच्चे इसमें जो ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो बटन, इसे प्ले करते थे और इसमें से एक आवाज निकलती थी जिसे बच्चे सुन सुन के और सीख सीख के इससे बोलते थे। इसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स को अपने बच्चों को नए नए वर्ड नहीं सिखाने पड़ते थे और वो अपने आप इस डिवाइस के द्वारा सीख जाते थे। 97 लिस्ट पे आता है हम लोग का चहेता एप्पल आईफोन। ये एक डिवाइस ऐसा था जो एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इस डिवाइस में आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें आप मूवीज भी देख सकते हैं, आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं, आप गेम्स भी खेल सकते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस था जो लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हुआ, क्योंकि तब के समय में स्क्रीन टच फोन बहुत ही कम आते थे या फिर आते ही नहीं थे और एंड्रॉइड का तब तो जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए आईफोन हमारे लिस्ट में 97 नंबर पर आता है क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। तो 96 नंबर पे आता है ओलेड स्क्रीन। ईयर 1987 में कोडाक पहली कंपनी थी जिसे ओलेड स्क्रीन को अपने डिवाइस में यूज करा। ओलेड एलसीडी डिवाइस से ज्यादा फेमस हुई क्योंकि ओलेड में हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है जिससे आपको बहुत ही पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। 95 नंबर पर आता है वो इन्वेंशन जिसकी वजह से कार में ट्रैवल करना बहुत ही मनोरंजक हो गया, जो है कार रेडियो। रेडियो सिर्फ हमारे घर में लगा करते थे, पर जब से ये कार में लग गए हैं इसकी वजह से हम लोग को कहीं भी दूर ट्रैवल करने में बहुत ही आसानी होती है और हम किसी भी चीज में बोर नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि शेवलेट पहली कंपनी थी जिसने अपनी कार में रेडियो इंस्टॉल करवाया था। 1926 में कस्टम रेडियो भी अवेलेबल होने लगे, मतलब जिस कार में रेडियो नहीं लगा है तो लोग उस कार में रेडियो लगवाने लगे क्योंकि रेडियो की पॉपुलैरिटी कार में बहुत ज्यादा ही होने लगी थी। रेडियो की पॉपुलैरिटी देखते हुए पॉल गेल्विन नाम का व्यक्ति कार में रेडियो इंस्टॉल करता था और उनका ऑर्डर लेता था, और जिसकी वजह से उसने आगे जाके एक कंपनी बनाई जिसका नाम है मोटोरोला और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक है। 4 नंबर पे आता है पेसमेकर। अगर आपको नहीं पता पेसमेकर क्या होता है तो मैं बता दूं कि पेसमेकर वो डिवाइस होता है जो आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करने में मदद करता है। 1932 में एल्बर्ट हाइमेन ने फर्स्ट आर्टिफिशियल पेसमेकर इन्वेंट किया, पर उन्होंने ये पेसमेकर सिर्फ एनिमल्स पे ट्राई किया था, अभी तक उन्होंने ये इंसानों पे ट्राई नहीं किया था। की सफलता पूरी हो गई जब ईयर 1958 में आर्नी लार्सन नाम के व्यक्ति ने पहला आर्टिफिशियल पेस मेकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाया। 93 नंबर पे आता है ब्रिथैल्जर। ब्रिथैल्जर एक ऐसा डिवाइस जो मेजर करता है अल्कोहल का कंटेंट आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। ईयर 1931 में नाइल हार्गर ने ड्यूकोमीटर इन्वेंट किया था।
ड्यूकोमीटर वो डिवाइस होता है जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट भरा होता है, और जैसे ये पोटेशियम पर मैग्नेट हमारी बॉडी के अल्कोहल के कांटेक्ट में आता है, इसका कलर चेंज हो जाता है, और इसका कलर जितना गाढ़ा होगा मतलब उस व्यक्ति ने उतनी ज्यादा अल्कोहल पी है, और जितना कम होगा मतलब उसने बहुत ही कम अल्कोहल का इंटेक किया। 92 नंबर पे आता है प्लाज्मा टेलीविजन। ईयर 1964 में डोनाल्ड बिट्जर और रॉबर्ट विल्सन ने फ्लैट स्क्रीन इन्वेंट किया था। उन्होंने ये स्क्रीन इसलिए इन्वेंट की थी ताकि वो ग्राफिक रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट को आराम से कर सकें। इनका ये इन्वेंशन इतना सफल हो सका कि ईयर 1996 में सोनी नाम की कंपनी ने बहुत सारी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की, और उन्होंने मिलके 42 इंच का फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन बनाया जो आगे चल के आम लोगों के लिए भी आ सका। 91 नंबर पे आता है एप्पल आईपॉड, एक ऐसा डिवाइस जो बहुत ही फेमस हुआ। पहले एप्पल के फोन के यूजर को गाना सुनने के लिए MP3 प्लेयर खरीदना पड़ता था, लेकिन एप्पल आईपॉड के लॉन्च होने के बाद वो कहीं भी कभी भी गाना सुन सकते थे, और इसकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हुआ। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक करना। तो ये वीडियो वन ऑन वन इन्वेंशन दैट चेंज द वर्ल्ड, इसकी इस सीरीज की पहली वीडियो है, मतलब इस सीरीज का पार्ट वन है, और इस टाइप की वीडियोस हम डालते रहेंगे और आगे भी डालेंगे। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।